हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास प्रेप सब्जेक्ट हिंदी। आज अपन हिंदी में रिकी मात्रा लगाएंगे। रिकी मात्रा लगानी है कैसे गेम में, ठीक है? कै कह के रिकी मात्रा लगेंगे। क्री खै के रिकी ख्री, गै के रिकी मात्रा ग्री, घै के रिकी मात्रा ग्री। नहीं, इसमें री की मात्रा नहीं लगती है। छः के री की मात्रा लगेंगे च्री, छः के री की मात्रा छ्री, जय के री की मात्रा झ्री, झ के री की मात्रा झ्री। ये टै के री की मात्रा ट्री, ठ के नीचे री की मात्रा तो ठ्री, ड के री की मात्रा ड्री, ढ के नीचे री की मात्रा ढ्री। तय के री की मात्रा त्री, थ के री की मात्रा थ्री, द के री की मात्रा द्री, ध के री की मात्रा द्री, न के री की मात्रा नृ, प के री की मात्रा प्री, फ के री की मात्रा फ्री, ब के री की मात्रा ब्री, भ के री की मात्रा भ्री, मैं के री की मात्रा तो ब्री, ये के री की मात्रा री, रे के री की मात्रा नहीं लगती है, ले के री की मात्रा ली, व के री की मात्रा व्री, श के री की मात्रा श्री, श के री की मात्रा श्री, स के री की मात्रा श्री, है के री की मात्रा ह्री, श के री की मात्रा श्री, त्र के री की मात्रा त्री, गे के री की मात्रा लगेंगे तो ग्री। आपको सबको कैसे गे री की मात्रा ऐसे लगानी है, देखो शब्द जोड़कर लिखो। शब्द जोड़ के लिख रहा है, आप यहाँ पढ़ोगे, लिखो ही जिसमें मैंने एक लिए लिख के बता दिया है, अब बाकी आपको लिखना है। न प्लस न के री की मात्रा तो नृ, प्लस नृप न के री की मात्रा नृ, नृप या नृप एक मैंने लिख दिया, बाकी ये आपको लिखोगे। व प्लस व के री की मात्रा व्री, प्लस श, तो क्या लिखोगे, व के री की मात्रा व्री, श वृक्ष। अभी ग प्लस ग के री की मात्रा ग्री, प्लस है, तो ग के री की मात्रा ग्रह है, ग्रह है। अभी क्या ऋषि का हृदय, क्वेश्चन आंसर है, ऋषि का हृदय कैसा था, तो उत्तर क्या आएगा, उदार था। कैसा था ऋषि का हृदय, उदार। ये आपको सब कॉपी में काम करना है। अब खै क्वेश्चन ए, मृग क्या कर रहा था, तो मृग क्या कर रहा था, तृण तैकरी की मतलब त्र, तृण चर रहा था। आंसर क्या आएगा इसका, तृण चर रहा था, ये लिखोगे। अब गए है क्वेश्चन ए, नैकरी की मतलब नृ, पंद्रह क्या लाया, तो आंसर क्या होगा, घृत घर के री की मात्रा घृ, तो घृत पात्र लाया, ठीक है। अब सब बच्चे बुक निकालो, ये आपको सारा काम कॉपी में करना है। सब बच्चे बुक निकालेंगे, अब एक बुक निकालो, इसमें देखो पेज नंबर 42 पे री की मात्रा, री की मात्रा न प्लस न के री की मात्रा नृ प्लस प, तो क्या हो गया, न के री की मात्रा नृ प नृप, ये व प्लस री की मात्रा प्लस श, तो वह कह री की मतलब व्री अक्षय, तो क्या हो गया, वृक्ष। ग प्लस ग कह री की मतलब ग्रह प्लस है, तो ग कह री की मतलब लगेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रह है, ग्रह है। ये दिख रहा है ना आपको, सब अच्छे से पढ़ेंगे। अब पढ़ो, क कह री की मतलब क्री, श के ई की मात्रा शी, कैशी री, श के छोटी की मात्रा शी ऋषि, तय के री की मतलब त्रे ण त्रण, री रह के ये मात्रा री, रह के ये मात्रा री न ऋण, प के री की मात्रा प्र, थ के ऊ की मात्रा थू प्रथु, ये घ के री की मात्रा घ, न के छोटी की मात्रा णी त घृणित, भ के री की मात्रा भ्र, ग के ऊ की मात्रा गु भ्रंगु, ये री, त के ऊ की मात्रा तू ऋतु, म के री की मात्रा मृ, ग मृग, द के री की मात्रा दृ, ग दृग, म के री की मात्रा मृ, त मृत,
कह के री की मात्रा सब बच्चे बोलो त्रै पैगा की मात्रा पा क्रैपा कह के री की मात्रा क्रै त्रै के ई की मात्रा ती मैं क्रैतिम है मैं कह री की मात्रा मृ त अमृत फ कह री की मात्रा व्र श भ ऋषभ कह कह री की मात्रा क्र पाण कृपाण घ कह री की मात्रा घृ न घृणा स कह री की मात्रा स्र ज न सृजन कह कह री की मात्रा क्र त ज्ञ कृतज्ञ व कह री की मात्रा व्र ह द वृहद प कह री की मात्रा प्र फ क पृथक प्र कह कह री की मात्रा क्र ती प्रकृति प्रकृति पैकर की मतलब प्र वी पृथ्वी नैकर की मतलब नृ प नृप। ठीक है, यहाँ से देख रहे हो इसमें से 10 शब्द आपको कॉपी में लिख रहे हैं। ठीक है ना, कोई से 10 शब्द आप री की मात्रा की कॉपी में लिखोगे। अब ये देखो मैं प्लस मैकर की मात्रा प्लस ग तो क्या हो गया मैकर की मतलब नृ ग मृग क प्लस क करी की मात्रा क्री प्लस छ प्लस क तो क्या हो गया क करी की मात्रा क्रै छ क क्रैशक। पेज नंबर 43 पे आओ, इसको पढ़ना है। एक ऋषि था ऊ से का उसका हृदय हृदय उदार उदार था वह बड़ा क करी की मात्रा क्रै पालु कृपालु था वैकरी की मतलब वृक्ष वृक्ष काट न काटना पाप समझता था एक मैकरी की मात्रा मृ गमृग तैकरी की मतलब त्र न तृण चर रहा था तभी ए मैकरी की मतलब मृ त अमृत आ गया ऋषि कह उठा ए मैं कह रही मतलब रे त अमृत मैं कह रही की मतलब रे गमृग मत पैकड़ पकड़ मैं कह रही की मतलब रे गमृग पर कह कह रही की मतलब क्र पा कृपा कर एब अब न कह रही की मतलब रे पनरप आ गए या गया न कह रही की मतलब रे पनरप ग्रह तय पात्र गत्र पात्र लाया नगरी की मतंद्र पंद्रप मातृभूमि की रक्षा कर। ठीक है, अभी देखो चित्र देखकर वाक्य पूरा करो। चित्र को देखना है, ये चित्र लिखा हुआ है इसको देखना है, वाक्य को पूरा करना है। अमृत पर गिर पड़ाई क्या पृथ्वी, तो क्या लिखोगे अमृत पृथ्वी पर, अमृत पृथ्वी पर गिर पड़ा, अमृत कहाँ गिरा पृथ्वी पे, तो यहाँ लिखो पैकरी की मात्रा प्र थे वी पृथ्वी, ये लिखा हो ना ऐसा लिखना आपको। को घृणा हुई, अभी कौन है नृप ए, तो नृप नैकरी की मात्रा नृ पनृप को घृणा हुई, ये लिखना है ना। अब ऋषि का हृदय कैसा था, कैसा था ऋषि का हृदय उद्दार था, यहाँ बुक में उद्दार लिखोगे। कॉपी में तो मैंने आपको अलग कॉपी में करवाया, वो लिखना है बुक में भी, अब ऐसे लिख लेना। मृग क्या कर रहा था, तो तैकरी की मतलब त्र न तृण चर रहा था। अब नृप क्या लाया, तो क्या लाया नृप घरी की मतलब घृ तृत पात्र लाया, क्या लाया घृत पात्र लाया। अब पेज को टर्न करेंगे, पेज टर्न करो। अभी क्या चित्र पहचान कर नाम लिखो, चित्र पहचानना है नाम लिखना है। किसका चित्र है नृप का, तो यहाँ पे नृप लिखोगे। सब बच्चे यहाँ लिखो पेंसिल से, पेंसिल निकालो न नैकरी की मतलब नृ प नृप। अभी क्या तृण, तो तय तैकरी की मतलब त्र ण तृण। ये क्या है कृपाण, तो कैकरी की मतलब क्र पाण कृपाण। ये क्या है वृक्ष, किसका पेड़ है ये, किसकी पिक्चर है वृक्ष की, वृक्ष है ये की, किसकी पिक्चर वृक्ष, तो वगरी की मात्रा वृक्ष वृक्ष। अभी क्या है कृषक, तो क करी की मतलब क श क कृषक। ये क्या है ऋषि, री शि ऋषि। अभी निम अक्षर के नीचे री की मात्रा लगाकर लिखो,
रिकी मात्रा लगानी हुई है, लिखना है कि पथक, तो रिकी मात्रा कहाँ लगेगी, पैपे, तो पैगे रिकी मतलब प्र थक पृथक, अभी एक काशक है कशक, कशक में तो कह के रिकी मात्रा तो क्या हो जाएगा क्रय शक कृषक, मधुल तो क्या हो जाएगा मृदुल हो जाएगा, मै मकर की मात्रा मृ की मात्रा दू ल मृदुल, वशम तो क्या हो जाएगा रिकी मात्रा लगाएंगे यहाँ पे वपे, तो वपे रिकी मात्रा तो व्र श वृषभ, अभी क्या लिखा है वथा, तो रिकी वैकरी की मात्रा लगाएंगे तो व्र था व्रथा, वैकरी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा व्रथा, अब कपालू तो कैकरी की मात्रा लगाओ तो बच्चों, तो कैकरी की मात्रा लगाई तो क्या हो जाएगा क्रय पालू कृपालू, अभी लिखा कपा तो कैकरी की मात्रा क्रय पा कृपा, अभी क्या लिखा गह है तो गहकरी की मात्रा ग्रह है ग्रह है, ये क्या मग तो मकरी की मात्रा लगाएंगे तो मृ ग मृग, ठीक है। अभी आपको करना सही शब्द छाँट कर खाली स्थान भरो, सही शब्द छाँटने खाली स्थान भरना है इसमें से, एक तो कृपा लिखा हुआ है एक उदा लिखा हुआ है, इन दोनों में से एक क्या लिखोगे, ऋषि सब पर करते थे, सब पे क्या करते थे ऋषि कृपा या उदार कृपा, तो यहाँ कृपा लिखो कृपा, पास ही एक तृण चर रहा था, पास ही तृण कौन चल रहा था मृग अंदर पे मृग, तो मैं कह रही कि मतलब मृग मृग या मृग लिखोगे, कभी किसी को तंग न करो, कभी किसी को तंग न करो क्या वृथा या घृत, वृथा आएगा, कभी किसी को वृथा वैकरी की मतलब वह था वृथा तंग ना करो, ठीक है। आपको ये सब बुक में करना है और कॉपी में भी करना है, ये बुक में करना है, ये भी बुक में भी सब जो मैंने बुक में कराया ना वो बुक में भी करना है, और ये आप ये वाला फोर्थ नंबर वाला कॉपी में भी कर लेना, और ये फिफ्थ वाला भी, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ कॉपी में भी करना है, ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।